हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ गए हैं द न्यू व्लॉग। जो वीडियो का आप लोगों को वेट था कि साउंड इम्प्रूवमेंट किट हम इंस्टॉल करें या नहीं, तो आज हम पूरा क्लियर कर देंगे कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो पूरा देखो, और साथ ही साथ एक दो बहुत ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस थे मुझे इस दो दिनों में, उन्हीं का रिप्लाई कर रहा था, तो वो क्वेश्चंस के मैं अभी वीडियो में भी आंसर दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको साउंड इम्प्रूवमेंट किट इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बताता हूँ, फिर बाद में यूज़ करना भी है तो किस तरीके से करना है वो बताता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले ये दो क्वेश्चन सुन लो कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे कि भाई ये मोस्ट आस्क्ड यही थे कि भाई आपने डिलक्स की कॉइल यूज़ की और हम बुलेट की करेंगे तो क्या साउंड बनेगी भाई, लेकिन कॉइल तो दो सेम हो जाएंगे तो साउंड कैसे बनेगी। भाई देखो, डिलक्स वाली कॉइल मैंने इस वजह से यूज़ की कि आप जो 3-4 हज़ार रुपये फूक रहे हो ना, तो आपका कम से कम काम 80 रुपीज़ में हो सकता है, मुझे ये दिखाना था। इस वजह से मैंने जो डिलक्स वाली कॉइल है वो यूज़ की। डिलक्स तो छोड़ो, स्प्लेंडर की भी करता मैं तो साउंड बन जाती, मुझे यही दिखाना था, इस वजह से मैंने डिलक्स की कॉइल यूज़ की। आप बुलेट की ही करना, डिलक्स की कॉइल यूज़ करोगे तो बुलेट का जो आपकी बाइक है उसका पूरा पूरा पिकअप गिर जाएगा, फिर उसके बाद आपको मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से बोल रहा हूँ आप लोग बुलेट की यूज़ करो, 100% साउंड बन जाएगी आई एम श्योर। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन था कि भाई हमने इंस्टॉल की, बहुत सारे भाइयों ने तो इंस्टॉल कर लिया, उन्होंने वीडियो भी भेजी, और बहुत सारे को तो प्रॉब्लम यही आ रही थी कि भाई बोल रहे जैसे हम स्विच बंद कर रहे हैं स्विच ऑन कर रहे हैं तो बाइक बंद हो रही है। तो एक बंदे का तो ऐसा ही प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व कर लिया बाद में, और कहीं के यही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई हमने तो इंस्टॉल कर ली लेकिन जब हम बटन ऑन कर देते हैं तो बाइक बंद हो जाती है। दो तरीके बताता हूँ, एक तो RPM हाई कर लो उसके बाद बटन ऑन करोगे तो बंद नहीं होगा। उससे बेटर तरीका यह है, जब भी स्विच ऑन करोगे ना तो एक्सलेटर जो है थोड़ा सा दे के पकड़ना, फिर आप बटन ऑन करो तो फिर बाइक बंद नहीं होगी 100%। और दूसरा रीज़न जो ये है बाइक बंद होने का कि देखो, एक तो वायरिंग में छेड़छाड़, एक भाई ने जो मैंने जो वायरिंग बताई थी उसका उल्टा ही लगा लिया था, उससे भी उसकी बाइक बंद हो रही थी, ठीक है। और दूसरी बात भाई, कॉइल भी कोई कोई जो कॉइल जो से ले रहे हैं ना बस दुकानों से शॉप से जो कॉइल ले रहे हैं, किसी ने रॉयल इनफील्ड की तो नहीं ली अभी तक, कोई और बाइक की भी ले रहे हैं ना, तो इतना याद रखो उसकी डेट चेक कर लिया करो, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्योंकि एक दो बंदे ऐसे थे जिनकी जो कॉइल थी वो कॉइल एक्सपायर हो चुकी थी, तो फिर साउंड कहाँ से बनेगी। ये जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे ये तो मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो अब आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो इंस्टाग्राम रेडी है आपके लिए, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चंस हो तो, और मैं तो वहाँ पे ज़्यादा रिप्लाई दे देता हूँ मोस्ट ऑफ द लोगों का, मैं दिन भर यही करता बैठ रहा था। तो चलो ये हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ साउंड इम्प्रूवमेंट किट के फ़ायदे एंड नुकसान। देखो फ़ायदा तो ये है, यूनिक आवाज़ आएगी दिल खुश करने वाली, जब राइड करोगे ना तब बहुत मज़ा आएगा, ये बात 100% है, मैं भी मानता हूँ क्योंकि अभी भी किट लगी है, मैंने निकाली नहीं है, इसमें मैं भी कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये तो फ़ायदा हो गया जी, अब नुकसान बताता हूँ। नुकसान देखो क्या क्या है, इंजन ओवरहीटिंग होगा 100% होगा। इंजन ओवरहीट होगा तो क्या होगा कि हमें सर्विसिंग जल्दी करानी पड़ेगी, जो ऑयल है बाइक में इंजन में वो जल्दी जल जाएगा, ठीक है। अब ऑयल जल्दी जलेगा तो सर्विसिंग पे जल्दी आएगी बाइक, और जो दूसरी बात है उससे जो CDI है वो हीट होने के चांसेस हैं, जब आप यूज़ करोगे तो CDI जो है वो आपकी गर्म हो सकती है। अब दूसरी बात, एक भाई ने मुझे बोला कि भाई एवरेज तो नहीं गिरेगा यार, हमें ये ऑन करके 40-50 किलोमीटर नहीं चलाना है, सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर चलाना है, उससे ज़्यादा नहीं चलाना है, तो आप एवरेज पूछ रहे हो यार। एवरेज वैसे तो एवरेज थोड़ा बहुत एवरेज में आएगा ऊपर नीचे 19-20, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कितना भी चलाएं, थोड़ा सा ही चलाओ तो बेटर है, कोई भी चीज़ थोड़े में ही ठीक होती है। तो अब फाइनल बात, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, देखो यूज़ करना है या नहीं, कर लो इंस्टॉल बिल्कुल कर लो, लेकिन उसका यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ पहले, उसके बाद आप यूज लगाओगे ना तो आई एम श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्या करना, आप लोग जब आप इंस्टॉल करोगे तो फर्स्ट मेरा ये रिकमेंड है कि आप बुलेट की ही कॉइल लेना, साउंड भी बनेगी, लेकिन अगर आप बुलेट की कॉइल नहीं लोगे तो पिकअप गिर जाएगा, ठीक है। फिर बाद में भाई पिकअप गिर गया, आपने तो बोला था नहीं गिरेगा, ऐसा ये सब चक्कर हो सकते हैं। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी इंस्टॉल करेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी इंस्टॉलेशन में, कुछ भी होगा तो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं तब से यही रिप्लाई दे रहा था। कोई भी बंदा जिसकी मैंने हेल्प की है अगर वो वीडियो देख रहा है तो कमेंट कर दो कि हाँ भाई इसने मेरी हेल्प की थी,
कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी इंस्टॉलेशन में, तो वो देख लेना आप, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, फटाफट मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग इंस्टॉल कर लो। अब मैं एक बात बताता हूँ, इससे इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, इंजन मतलब ज़्यादा अगर चलाओगे तो होगा। और अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इंस्टॉल कर लो किट, थोड़ा सा बाइक चला लो, फिर आप ना बेंड पाइप देखना टच करके, इतना ज़्यादा थोड़ा सा टच करना, सिर्फ छोटी सी गेड़ी मार के टच करना, उस पर से आपको पता लग जाएगा कि इंजन कितना हीट हो सकता है, ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग क्या करो, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर ही चलाओ, क्योंकि फिलहाल देखो जो गर्मियों के सीज़न चालू हो रहे हैं, अब यहाँ से तो समर ही चालू हो गया है, तो इस वजह से आपका इंजन और ज़्यादा हीट करने लगेगा पहले से ही, और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। और अगर आप इसमें अगर यूज़ करते हो ज़्यादा, अगर चला लोगे बाइक 1-2 किलोमीटर चला लोगे, 2 किलोमीटर उसके ऊपर चला लोगे, तो फिर बाइक ओवरहीट हो जाएगी, कहीं पर भी बंद हो जाएगी, तो इंजन ठंडा होने तक का वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो, एक दो गेड़ी मार लो टॉर के लिए, 1-1.5 किलोमीटर चला लो, इससे ज़्यादा मत चलाना, ठीक है? अभी तो ये हो गया समर सीज़न का, बाद में जब बारिश आएगी, फिर जो विंटर आएगा, तो उसमें आप 2-3 किलोमीटर चला लोगे तो कोई चक्कर नहीं आएगा। तो मुझे यही बताना था, तो सारे तो क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए, और मैं ये बोल रहा हूँ इंस्टॉलेशन कर लो किट का, अच्छा है, इंजॉय करो, शौक के लिए गाड़ी लिए ना, तो बिल्कुल शौक करो। तो और एक बात मुझे बोलनी थी कि मैं ये सोच रहा था कि जो अलग अलग साइलेंसर्स आते हैं तो उन्हें इंस्टॉल किया जाए, और जो किट लगाई है हमने तो उसके साउंड चेक किया जाए कि किस तरीके से अलग अलग साइलेंसर्स में साउंड आता है। तो ये वीडियो तो मैं बना ही दूंगा, और अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसमें तो मुझे कमेंट में कर देना, कमेंट कर देना कि हाँ भाई बना दो, तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं बिल्कुल 100% और अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग कमेंट कर देना कि साइलेंसर्स अलग अलग लगवा के हमें वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। और दूसरी बात, सब्सक्राइब कर लो, अभी तक लाइक करो, सब्सक्राइब करने से यार मोटिवेशन मिलती है, और ज़्यादा वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, यही था आज की वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड राइड सेफ।